बीज फैक्ट्री वालों झोने का नकली बीज बेचण का मामला हुण होर भी गरमाउंदा जा रहा है। इस मामले ने राजनीति काफ़ी भखा रखी है। अकाली लीडर विक्रम मजीठिया वालों कैप्टन सरकार से यह इल्जाम लगाए गए हैं कि इस कंपनी नूं कैप्टन सरकार की शह है, जिस तो बाद मजीठिया ने बीते कल अमृतसर च डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर च जाके डीसी नूं मंग पत्र दिता, जिस च उन्होंने मंग की कि जिन्हां लोगों ने सरकारी बीज गलत दिता है उन्होंने खिलाफ कानून के हिसाब तो बनती कार्रवाई की जाए। उन्होंने दावा किया कि इसके पिछे कांग्रेसी कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा का हाथ है ते उन्होंने जल्द तो जल्द गिरफ्तार करके बनती कार्रवाई की जाए। किस तरीके करोड़ों रुपए क्विंटलों के क्विंटल लख हजार क्विंटल बी जड़ा नकली है ही नहीं, वो बी पंजाब के किसानों धोखे धड़ी नाल बेचा गया। इसलिए अज सारे डीसी साहिबान श्रोमणी अकाली दल के प्रधान साहब सरदार सुखबीर सिंह जी बादल वालों तो कोर कमेटी का जोड़ा फैसला सी कि किसानी जो बचा तो इमीजिएट ये इंटरवेंशन की लोड़ है। और हर जिले च जिथे जिथे बीज की सप्लाई हुई है वो किसानों तक पहुँच करके उन्हें किसानों दबार तो जोड़ा उन्होंने फाइनैंशियल लॉस होया उन्होंने नवा बीज सरकार दे ही जी उन्हों फाइनैंशियल लॉस होया भरपाई करे। इसलिए जिलेवार किसानों आइडेंटिफाई करके उन्होंने जिथे उन्होंने मदद ने पहुँचना नाल ही ये जी बड़ी एक वड्डी फर्म है काला बाजारी जी कर रही सी करनाल सीट के नाते हैगी वैरोके पिंड खोदेबेट जिला गुरदासपुर ते नौ करनाल सीट के नाते एक काला बाजारी चोर बाजारी जी चल रही सी। और यह भी दसिया जा रहा कि यह जी करनाल सीड फैक्टरी है ये बेनामी मालक कोई होर नहीं, उस हलके दे कांग्रेस दे मिनिस्टर सुखी रंधावा ने इसे लिए करनाल सीड फैक्टरी जी बेनामी फैक्टरी मनी जाती है सुखी रंधावे ने धड़ाधड़ उन्होंने ये जाली बी बेचण का काम किया। उन्होंने इमीजिएटली अरैसट किया जाए क्योंकि जब तक अरैसट नहीं होगी तद तक ये गल सामने नहीं लिया सकांगे कि किन्ना क्विंटल बी बेचा तो किनू बेचा, क्योंकि इन्हां नूं हुण 20 दिन मिल गए आपदे सारा स्टॉक साफ करन नूं बिल बदलन नूं, क्योंकि हर जिन्हें नंबर दो दा काम करना है चोर बाजारी करनी है उसके कापी बिल्ला एक नहीं कई कई होंदिया ने और झूठिया कापी बिल्ला विखाउणा भी शुरू करता है और इस तरह सच्चाई सामने नहीं आनी। इसलिए किसानी नूं जे खुदकुशी दे राह तो सरकार चाहती है बचाउणा चाहती है इमीजिएटली अरैसट करके इन्हां ते कार्रवाई की जाए और किसानों नूं जो धोखाधड़ी हुई है उन्हां किसानों की मददगार ते सरकार आप आवे। नाल ही इस मौके मजीठिया साहब ने बिजली दे मुद्दे नूं लैके भी कांग्रेसियों नूं खूब रगड़े लगाए। उन्होंने कहा कि किसानों दे बिजली दे बिल माफ होने चाहिए ने ते घरां ते होटलां दे बिल भी अद्धे होने चाहिए ने। नाल ही उन्होंने सुनील जाखड़ नूं भी खूब अड़ीके लिया। देखो कल की होया मेरा वीर कैबिनेट च ये कह रहे हैं चीफ सैकटरी ने साढ़े को हाथ जोड़ के माफ़ी मंगी। मैनू तो जो पता लग्या चीफ सैकटरी ने हाथ जोड़ के मंगी इन्होंने घुटने टेक के माफ़ी मंग ली सारे वजीर ने। हाल तो यह होया जे इस कैबिनेट 5600 करोड़ का खजाने चूना लगता हो खजाने वो पैसा 5600 करोड़ सरकारी खजाने जाने की जगह कांग्रसियों की जेबा च गया तो जिन्होंने ये इंसाफ दवाना सी वह जब रल जाए आपस च तो फिर थोनू कितों आस है किसी होटल वाले किसी दिहाड़ीदार किसी मजदूर किसी खेत मजदूर किसी तरीके की रायत मिलनी है। इसलिए कल जिनी कैबिनेट सी उन्होंने सिर्फ अपना सोचा अपनी जेबा का सोचा उन्होंने सरकार के खजाने की लुट का कोई जिक्र कोई नहीं एक हाथ जोड़ के माफ़ी मंगे तो वजीर घुटने टेक के हाथ जोड़ के माफ़ी मंगन कला वो होया। इसलिए असी फिर जो मंग असी आज तो महीना पहला कीती सी कि हर दिहाड़ीदार दी महीने दी 6000 घट्टो घट्ट वो बैंक से सरकार ट्रांसफर करे
बिजली दे बिल सारी इंडस्ट्री दे दुकाना दे घरां दे अद्धे करन जिन्नी भी गरीबा दी बैकवर्ड क्लास दी बिजली आ तीन महीनों की वह बिल माफ करन और बाकी दे जेड़े टैक्स गरीबा को जा बैकवर्ड वीरा को रेंदे इकनोमिकली वीकर सैक्शन को लेने हैं वो सारी बिल तीन महीने लिए माफ होने चाहिए और इकनोमिक पैकेज किसानों व्यापारियों इंडस्ट्री सरकार पंजाब सरकार देना चाहिए। जाखड़ साहब ने समूह कांग्रेसियों सदा दिता फेसबुक से लाइव होकर मोदी सरकार के खिलाफ रोस जताया। और जाखड़ साहब तो पहला ये दसन जरा 5600 करोड़ की लुट कर गया वो माफ़ी मांगे घुटने टेक के सारे वजीर चीफ सैकटरी को दसन वे बारे पहला। फेस मास्क मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री कैपेसिटी 500,000 मास्क पर डे 2 and 3 ply डिस्पोजेबल फेस मास्क 3 ply डिस्पोजेबल फेस मास्क विद नोज वायर RN95 रेस्पिरेटर फेस मास्क एडजस्टेबल नोज पीस फॉर अल्टीमेट कंफर्ट। For bulk order and more information, www.risely.org.